हमें आगे बढ़ियो तुम अपना काम करो हम चाबी ला वाली के पूरी फोटो पे का मेरे लिए तो बड़ी आई है बाद वाली हो महाराज के लिए पहले गाड़ी चाबी देखो और लाइट का ध्यान रखिए हम लोग गलत दिखा नहीं बिल्कुल बिल्कुल तुम लोग जब से आओ लेके आओ नहीं आओ थोड़ा तेल लड़का मंदिर के सामने खड़ा हुआ
आगे जाओ आगे महाराज जी है। बोलो श्याम साधु की, बोलो श्याम साधु की। आ जाओ।
इधर अबे पहले समय कहीं दिखे और राहुल लाइट है दिमाग से लिए सामने खड़े मैं अमूमन भैया ए अमू आज जोड़े अब हूँ आत्मा ए घुमा दे ए अच्छा ए ए दिखा रहे दिखा रहे दिखा रहे दिखा रहे बात अंदर गुल्लू का अंदर गुल्लू नहीं यहाँ टूट गया एक नीचे रुकिए तो लड़ाई की कर रहे आओ मैं कन्यान के ले ले इधर सामने से ले सामने से ले सामने से अरे ले रहा साइड से ले साइड से सामने आ जी रामदेव रामदेव सब देखो आए हैं यहाँ देख लो कितना रखी हुई है 8 दिन के अंदर भैया अबे हमारे इधर यहाँ सामने लो सब्जी है बाबा हमारे नहीं सब्जी है सबका उसका बनाओ इसका बनाओ है क्या बनाओ वो एक सामने जाओ वो भी टमाटर बाबा पसंद है बाबा कैमरा मांग लिया अपने साथ खुदे इनके शादी का इंजाम हम कब्रस्तान में गाड़ा हूँ इस समय तो बाबा जी हो घर है सन्मान तुम्हारे लिए कितनी भाग जी हो कि हमारा छोड़ के बहन हमारा मालूम है लखनऊ खानदान है ना यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जी बन रही और आलू आलू वाले फोरे वाले मैं कैमरामैन आसाराम बाबू के साथ अब यहाँ यहाँ के बनाओ फिर वहाँ अब कभी याद रखो ये सूर्य के सामने हम कैमरा नहीं नहीं बात सुन हमेशा सूर्य को ही पीठ पर चंद्रमा पर हमला जोर बना रहा है ऊपर चल जाओ अब ऊपर नहीं नहीं यहीं से बनेगा बनेगा यहीं परवीन एक पूड़ी डालो एक काम करो ए कैमरा हमको दे दो इसके ऊपर चढ़ जाओ और यहाँ से बनाओ चाय का पकड़ाओ पूड़ी उठाओ पूड़ी उठाओ पूड़ी मेरे रहो भाई मेरे रहो ला 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 नहीं कर
महंत जी अरे भोजन की बात है, मसला साहब का मंदिर के पास इस समय व्यवस्था है। सही बात, हमारे मठाना आप जो कहेंगे भोजन के माया जरूर दर्शन होगा। आलू गोभी माला बोलिए भाई, पीछे से करो चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ। जानवर गायों को खिला देंगे, ये गोभी आलू टमाटर की माला है, फूल की माला नहीं पहनते हैं। ज्ञान चाकू जी हम महामानव है, ये इन्होंने प्रधानमंत्री तक को झुका दिया, सोनिया गांधी आई थी इनके उनको अंतर चुनाने के लिए, बड़े बड़े काम कर दिए। गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए इन्होंने 49 दिनों का अमर अनशन किया है, 49 दिनों का अमर अनशन किया है। बोलो श्याम साधु के जय, बोलो मुरारी दास के जय, बोलो श्याम साधु के जय, बोलो महाकाल के जय। हर हर महादेव कथा सुनने से ही नहीं, कथा को अपने जीवन में उतारने से काम चलेगा। और
जो लोग फिरका परस्ती इधर उधर की बात करते हैं वो देश का भला नहीं कर सकते हैं। देश को भला करने के लिए सबसे पहले अपने अंदर मानवता होनी चाहिए। मानवता के बगैर कोई भी राष्ट्र कोई भी समाज आगे उत्थान नहीं कर सकता है। और साथ साथ अपनी संस्कृति के प्रति भी सजग रहना चाहिए क्योंकि हमारा धर्म सनातन है और सनातन हाँ रिकॉर्ड करो। और ये जो कार्यक्रम चल रहा है मुंशीगंज में ये इसका नाम विश्व शांति महायज्ञ है। विश्व शांति महायज्ञ जिसके हमारे मुख्य आधार आत्मज्ञानी कथावाचक आचार्य नरेंद्र देव जी महाराज हैं जिनके कथा के प्रसंगों से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं में एक ऐसा धार्मिक जागरण उत्पन्न हो गया है। याज के बाद जो प्रयाग होता है वो यज्ञ में पहले ही दिखाई पड़ने लगा है। आज के सनातन धर्म में सबसे बड़ी उपलब्धता की बात यह है कि जो हमारी संस्कृति के प्रति बढ़ते हुए संस्कार विहीन समाज हो रहा है आज संस्कार बनाने की जरूरत है। ये कार्य आप महामानव ज्ञान साधु नरेंद्र देव जी हमारे श्याम बाबा जी और हमारे बीच में बहुत से जी तमाम ऐसे लोग खड़े हुए हैं जो इस अभियान को चलाने जा रहे हैं। अभी गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने के लिए सरकार से इन्होंने मांग करके हमारे श्याम साधु ने 49 दिनों का अमर अनशन किया था। उसके बाद गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। गाय हमारी माँ गाय जो है गाय श्रेष्ठ का मूल अंश है। गाय के अंदर सारे वो प्रोटीन पाए जाते हैं जो वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर रखा है। गाय एक ऐसी व्यवस्था है अगर गाय नहीं रहेगी तो आपको अन्न का संकट का सामना करना पड़ जाएगा। पश्चिमी देशों की साजिश में सबसे पहले हमारे समाज में सारे से के सारे जानवर खा गए। जब सारे जानवर खत्म हो गए तो हमारे देश में एक कुचक्र रचा गया। वो ऐसा कुचक्र रचा गया इस देश के अंदर ट्रैक्टरों को जन्म दिया गया। ट्रैक्टरों को जब जन्म दिया गया तो हमारे बैल और गाय काट काट के विदेश काट काट के गोमांस सब बाहर जा रहा है सप्लाई हो रहा है क्योंकि गाय और बैल की कोई कीमत नहीं रह गई है। मैं कहता हूँ जो गाय पालेगा और गाय रखेगा 5 रुपया लीटर मैं उसका मूत्र खरीद लूंगा। 5 रुपया लीटर नाम यार गाय इसलिए गाय माता के लिए आप सभी लोग गाय माता के लिए अग्रासन जरूर निकाला करें। गाय माता के लिए सेवा जरूर किया करें। दीन दुखियों के पति ना सही मगर गाय ऐसा जानवर है जिससे हमारी पूरी संसार का आधार होता है। गोवंश नष्ट हो रहा है गोवंश को बचाना होगा। आज वही काम श्याम साधु तमाम प्रकार के संकटों का सामना करके काम कर रहे हैं। देखो पटको हुआ रहा है हमारे बीच में फिर एक आलू की माला श्याम साधु की श्याम साधु की श्याम साधु की बाबा मुरारी दास की आचार्य नरेंद्र देव जी महाराज की बड़े कल्याणेश्वर बाबा की संस्थान की तो ये बताओ जब यहाँ जय जयकार हो रहा था तब उसका बनाना था कि जब जय जयकार हुआ तो बनाया जय जयकारा था। अभी अभी जो जयकारा हुआ नहीं हो गया। हाँ।
इसका मोर्डम मोर्डम करो, ये सब पीछा बोलो, ये पोलियो है यहाँ पे गलत हो गया। ऐसे बनाइए आप, देखिए बाल भोज यह हो रहा है, आज 24 दिसंबर 2010 है और यह आठ दिनों तक चला है यहाँ गायत्री महायज्ञ। आज जो है यहाँ बाल भोज के समय पर आचार्य जी भी हम आचार्य का भी मैं बोल रहा हूँ, आचार्य जी भी नरेंद्र देव जी खड़े हैं और देखिए रूप लीला के बाल भोज के समय दिमागी आया कि कोर्ट हो जाए हम लोगों की उपस्थिति में, और कैमरे से हमारे जीते रंजी साहब इसको बना रहे हैं। इससे पहले आसाराम जी ने बनाया है, पूरा काम किया है, तो बाल भोज का आप ले लें, इसको एक बार दो बार घुमाते रहिए।
पानी पीते हुए गाय को बनाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, गाय बनाओ पानी पीते हुए। जब हटेगी तभी हटाना। हटार बनाना उठी को बनाओ, उठी थोड़ा आगे पीछे निकल। देखो धूप लग रहा है, तुम आओ जो बाहर आ जाओ, यहाँ छह में आ जाओ, धूप लग रहा है। खड़े जो ड्रम में लिखा तो बना ड्रम में जो लिखा आज 25 दिसंबर सन 2010 है, तो एक हफ्ते तक मुंशीगंज में जो कार्यक्रम चला चलाऊँ, वहाँ पर गायत्री महायज्ञ की पूर्ण आहुति हुई और कल भंडारा था काफ़ी बड़ा। तो वहाँ मैं जब भी जाता हूँ मुंशीगंज में, वहाँ अग्रहरी समाज वैश्य समाज जो हैं ये इतने धार्मिक प्रवृत्ति हैं, खास करके महिलाएं वहाँ की, गायत्री का जो यज्ञ हुआ है वो देखते ही बनता था। ऐसा बाबा मुरारी दास प्रसादगंज वाले जो हैं उन्हीं की देन है। तो आचार्य नरेंद्र देव का भी बड़ा सहयोग रहता है और बड़े विद्वान हैं वो। तो कुल मिला करके यहाँ मुंशीगंज का हर साल लोगों का कार्यक्रम होता है और इस कार्यक्रम में सैकड़ों तरह तरह की मालाएँ महिलाओं ने पुष्प वर्षा किया हमारे ऊपर, मालाएं पहनाई। तो देखिए कार्यों का मूल्यांकन जो है वो कभी न कभी निश्चित रूप से होता है और कार्यों का मूल्यांकन जहाँ होता है वहीं पर वही समाज आगे बढ़ता है, और जहाँ कार्यों का अच्छे कार्यों की अनदेखी की जाती है और मक्कार या झूठे लफंगे लोगों को आगे बढ़ावा दिया जाता है वहीं समाज में एक प्रकार का विघटन तैयार होता है ना, एक अपवाद, लड़ाई झगड़े, बेमत आप यानी विश्वसनीयता जो है वो समाप्त हो जाती है। तो कल जो परसों जो माला था वो तो कल बंदरों को हमने खिला दिया था, कल जो माला हुआ है भंडारे के समय, शाम का समय था, कल न्यूज वगैरह भी नहीं जा सका है। तो कल जो माला हमको भेंट किया था, कैसी धन्य है ये अग्रहरी समाज की महिलाएं, कितनी धर्मनिष्ठ महिलाएं हैं। गर्व होता है कि वाह, जब हमारी जो अन्य शहरों की महिलाएं हैं वो मुंशीगंज के महिलाओं से प्रेरणा प्रेरित हो जाए, उनको उनसे सबक लेनी चाहिए कि सनातन धर्म है क्या। ये देखिए ये एक महिला के द्वारा कितनी मेहनत से ये तैयार की जाती है। ये माला देख रहे हैं, ये रोटी है, फिर आलू है, फिर है। अब ये माला जो है ये बंदर भोज के लिए हम तैयारी में जा रहे हैं। इसके बाद तमाम माले थे और तमाम माले हम कल तोड़ भी दिए थे। ये देखिए ये माला कितना बढ़िया बढ़िया माला बनाने वाले के जरा दिमाग तो देखिए आप, महिलाओं का है कितना उनमें भाव भक्ति प्रेम है। ये सुबह साग लगा दिया, टमाटर लगाया, मटर लगाया, ये उनकी देन। अब ये सब बंदरों को हम दे देंगे, वो खाएंगे। वहाँ गरीब महिलाएं रहती हैं जहाँ मैं बंदर खिलाने जाता हूँ, उन महिलाओं को भी दे दूँगा तो उनके यहाँ सब्जी बन जाएगी। इसी की जगह अगर वो 100 रुपए का माला फूलों की हमको पहनाया जाता, उसको मैं उतार के फेंक देता तो उससे कितना बड़ा नुकसान होता है, कितना बड़ा अहित होता है। अरे फूलों खेती होती है, उसके रंग बनवाइए, इत्र बनवाइए, बच्चे होली में खेलते हैं, उस रंग को आप सस्ता बनवा के मार्केट में लाए, यानी उपयोगी कार्य करें। महात्मा गांधी लिफाफे के ऊपर के कवर को फाड़ के उसमें लोगों को लिख करके दे, मतलब इतनी भरी चीज़ को बर्बाद नहीं करते थे। और हमारे यहाँ हजारों
फूल की मालाएं, गजरा और बड़े बड़े मुख्यमंत्री और कौन संतरी, क्या नाटक हो रहा है। अरे चुल्लू भर पानी में डूब मरो मंत्रियों, शर्म हो हाया शर्म हो, यह गांधी का देश है या राम का देश है ना, ये लाल बहादुर शास्त्री का देश है। हमारे यहाँ बड़े बड़े जो भक्त हुए हैं, देशभक्त हुए हैं, आज 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 देशभक्ति के नाम पर एक कवि आया था, बड़ी अच्छी बात कही कि जहाँ जिसको देशभक्ति दिखाना हो बस पाकिस्तान, जिसको वीर रस की कविता कहनी हो पाकिस्तान, केवल पाकिस्तान ही क्यों दिखता है, और भी तो है, चाइना के बारे में बोलो कुछ, यही है कमजोर को दबाना। अरे वो गलत है, क्यों गलत है, कभी आज तक आपने सोचा है, आमने सामने कभी फैसला किया नहीं, लेकिन यह है कि वक्त बुरा आ रहा है और लोगों की मानसिकता वैसी होती जा रही, लोग भगवान के लिखे हुए नाम पर थूक रहे हैं पान खा करके खुराफात में, वो ये भूल जाते हैं कि उतना ही खून तुम्हारे मुंह से निकलेगा, निश्चित निकलेगा, उतना ही खून तुमको तुम्हारे शरीर से निकलेगा मुंह के द्वारा, क्यों भगवान के नाम पर तुमने थूका है और मुसलमानों से नफरत करते हो, जरा मुसलमान के किसी पैगंबर को नाम लिखिए और जरा थूकिए आप देखिए क्या होता है, कत्लेआम हो जाएगा। यह है, तमाम सब्जियां हैं, बहुत से माले वाले इसमें मिले हैं, अलग अलग जो छोटे परिवार के थी वो हम अपने ये माले बना के लाए है ना, देखिए कितने सुंदर माले, और ये सब उपयोगी माले हैं और भी तमाम माले होते हैं। अब इनको तोड़ करके इनको जो है बंदरों के लिए अब जाना है, और अभी बंदर भोज करेंगे, आज थोड़ा विलम्ब हो गया, देखिए बड़ा सागा मजबूत है इसका, तो अभी इसको हम सब काटेंगे, काट करके ले जाएंगे। तो कहने का मतलब यही है कि आदमी को अच्छे कामों की ओर आप बढ़िए, और मुंशीगंज के अग्रहरी समाज जो किराना के जो काम करते हैं, बहुत ही उनमें धार्मिक प्रवृत्ति महिलाओं में मैंने देखा, मैंने पीढ़ी गांव में देखा, फुर्सतगंज के पास पीढ़ी गांव है, तो तभी आचार्य जी ने कहा और मैंने भी कहा कि आज धर्म अगर जीवित है तो ग्रामीण महिलाओं के ही तक जीवित वो जीवित है, शहरों में तो केवल आडंबर हमको देखने को मिलता है, भाई नाटक ज़्यादा महिलाएं करती हैं, भावभक्ति प्रेम नहीं उनके अंदर। अब ये माले वगैरह पहना करके देखिए हौसला बढ़ाती हैं, अब यही सम्मान को देख करके और कोई कोई श्याम साधु बनना चाहेगा, और भी कोई मुरारी दास बनना चाहेगा है ना, मुरारी दास को देखिए सनातन धर्म के लिए कितना बड़ा काम कर रहा है, पैर में उसके बेचारे की चोट आ गई है, लोगों ने कहा कि भैया कार्यक्रम रोक दो, लेकिन बाबा मुरारी कहाँ मानने वाला, हाथ में डंडा के सहारे चल चल करके मुंशीगंज के कार्यक्रम को उसने जारी रखा, और देखने योग्य कार्यक्रम था वो, उसके पहले आपने सीडी में आपने सब देखा होगा, तो धन्य है मुंशीगंज और मुंशीगंज की महिलाएं जो हैं वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति हैं, और अगला कार्यक्रम और भी कहीं होगा, जहां अभी सुनाई पड़ा है शायद मधुपुरी में होगा, और क्या नाम वहाँ होगा जगतपुर के पास में, क्योंकि मुरारी बाबा का जो है उनका प्रचार प्रसार बढ़ रहा है, क्यों सनातन धर्म के को जागृत करने के लिए है, गाय गंगा गायत्री बाबा मुरारी हमको महत्व क्यों देते हैं, इसलिए कि मैंने 49 दिन माने रखा है, 49 दिन का अनशन किया है गंगा जी के नाम से, अकेले पूरे हिंदुस्तान में पूरे इंडिया में ये पहला अनशन था एक आदमी के द्वारा, आज तक इतना बड़ा इतना लंबा अनशन किसी ने नहीं किया, मरे हैं खपे हैं कुर्बानी दी है, तो बंदर भोज अब तक हमारे 5657 नंबर का भोज करीब करीब यही अभी होने वाला है, तो कार्यों का इधर पर्यावरण की सेवा और जो उधर गाय की सेवा, एक आदमी कितना काम करेगा, लेकिन अब प्रभु करवा रहे मैं कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुंशीगंज में धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत हैं वहाँ की महिलाएं, धन्य है वो महिलाएं, उनका तो राज्य से अखबारों में उनका मैं फोटो देखिए, अच्छे काम करने वाले को अखबार में लाइए, जो देश को लूट रहे हैं खा रहे हैं
माँ भ्रष्ट बहुत सी महिलाएं हैं, अब उनके बारे में हम कैमरे के आगे क्या बोले, पब्लिक सब जानती है उनके बारे में, रंगीन फोटो में छप रही है, क्या होगा इस देश का। सन 2012 11 जो सुनाई पड़ता है ना, 11 तो आने वाला है, तो इसीलिए तहस नहस होगा जब अधर्म का काम बढ़ेगा। एक धार्मिक महिला है अगर मुंशीगंज की, और छोटा सा माला लेके आई है, गरीब महिला है, साधारण परिवार की है, उसका अखबार में फोटो आना चाहिए ना, उसका हौसला बढ़ाइए। उसका जब अखबार में फोटो आवेगा तो बगल वाली महिला जो रहती है ना वो भी अच्छा काम करेगी। तो हौसला बढ़ाइए, हौसला नहीं बढ़ाएंगे अब आवेगा भूकंप। अरे प्रलय तो होने होना, जो जितने लोगों ने गलत किया है वो तो कुत्ते की मौत मरेंगे, उसको कोई बचा नहीं पाएगा। कोई जानता था कि सुनामी, सुनामी समुद्र के किनारे मछुआरों ने मछली खाने ही छोड़ दिया। बहुत से मछुआरे हैं, मछली पकड़ना मारना उनका पेशा ही था, और मछली खाना उन्होंने छोड़ दिया। क्यों? पूरा परिवार उनका सुनामी लहर में बह गया, एक अकेला लड़का बचा। तब उसको ज्ञान हुआ कि देखो हजारों लाखों मछलियों को, वो मेरा पेशा है। अरे पेशा जाए चूल्हे भाड़ में, पेशा क्या है? कोई भगवान ने तुमको लिख के चिट्ठी लिखी है क्या, या भगवान ने कोई लाइसेंस दे रखा है कि तुम्हारा पेशा है तुम कतलेआम करो, बकरा काटो, मछली मारो, ये करो वो करो? गलत है सब। आप दादों ने किया है तो उस काम को क्यों करते हो? बहुत से जूता जो जूता की सफाई करते हैं, पॉलिश करते हैं, कोई ज़रूरी कि बाप दादों ने जूते में पॉलिश किया है तो उसका बेटा भी करे? जूता में पॉलिश करने वाले का बेटा बड़े बहुत बड़ा वो कहीं विधायक बन रहा है, कहीं सांसद बन रहा है, हैं कहीं कमिश्नर बन रहा है, तो हम कैसे मान लें कि पैसा है तो आप उसी काम को करो, अच्छे काम को करें, वही पैसा है। धन्यवाद। अब हम बंदर के लिए फाइल अलग अलग हो जाती अब देखिए भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, ये पूरा दुर्गा मार्केट की घर दिखाई दिया, इतनी बड़ी बिल्डिंग जो है दुर्गा मार्केट का, ये अपने परिवार का ही है ना, ये पूरा कोठी बंगला जैसा है सब ये अपना ही है, अपनी हमारी बेटी के नाम से है। तो अब ये देखिए कार भी खड़ी है, स्कूटर भी खड़ा है, तीन तीन चार चार साइकिलें खड़ी हैं, दो साइकिल वो अंदर वहाँ खड़े हैं, तो साइकिल स्कूटर कार सब कुछ है। लेकिन ये जो है हम इसी से साइकिल से ही ज़्यादातर चलते हैं, क्यों? पेट्रोल बचाओ और दो गरीब बच्चों का को भोजन करा दो, दो बच्चों को कुछ दे दो, उसी पैसे को बचा के पेड़ लगा दो, किसी को पेड़ खरीद के बांट दो, बंदर को खिला दो, गाय के लिए हौदा खरीद के लाओ। एक एक पैसा बचाएंगे तभी तो कार्य होगा, पैसा बचाएंगे नहीं, जाना है तो जो हम पैदल जाएंगे, साइकिल से चलने से बड़े लाभ हैं। एक तो 72 साल की उम्र है, इधर बनाओ 72 साल की उम्र है, इधर लाइट आ रही, लाइट अच्छा नहीं आता, इधर तो बनाओ, लाइट के चमक सामने नहीं होनी चाहिए। तो ये है, अब साइकिल निकाल रहे हैं, आज थोड़ा हमको देरी हो गई है बंदर भोज में। और ये देखिए वहाँ डबल रोटी रखी है, अनिल बेकरी वाले हमेशा भेजते रहते हैं मुंशीगंज के, ये जो देखिए इसमें कना आके रखा हुआ है, मुंशीगंज के जो लोग व्यापारी हैं कोई कना दे देता है या हमको कंसेशन में दे देता है। ये डिब्बा रखा बंदर भोज वाले, इसको बनाइए, ये सब डिब्बों में सामान अलग अलग, कहीं गेहूँ रखा है, कहीं कुछ रखा है, आइए यहाँ।
ये रोटियां हैं, अब ये इसमें भुना गेहूं है, अब ये सब बंदर के लिए लेके जा रहे हैं और वहां से लौट के आएंगे तो यहां देखिए आप फुलवाड़ी का काम हमारा होगा। कोई सुना है कि जन संदेश कोई अखबार रायबरेली में नया आने वाला है जन संदेश, तो जो उसके हाई कमान के लोग आएंगे इनको इतना बड़ा फल मैं भेंट करूंगा। तो इसका साइज आप देख रहे हैं यहाँ से, यहाँ आ जाइए, ये देखिए कितना बड़ा फल लगा हुआ है, कितना बड़ा, लोग कहेंगे एक बेल है क्या, हमने कहा बेल भी इतना बड़ा नहीं होता। ये देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इसके साइज को, है ना, बड़ा फल काफ़ी बड़ा, देखिए इसका बनाओ अंदर देखा काफ़ी बड़ा था, है ना, देखो ना इसका साइज कितना बड़ा है। इसको मैं डाल के काट करके और जन संदेश का जिस दिन उद्घाटन होगा उनको देंगे, उसमें एक राजपाल सिंह हैं रायबरेली के, तो बहुत ही सज्जन आदमी हैं, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, बहुत सज्जन आदमी। या खा लो आराम से, तितली का बन इसमें बन रहा है, तितली वहाँ फूलों पे आई फिर जहाँ छज्जे में बैठी जाके, बाहरी तितली जहाँ फूल होते हैं वहाँ तितली अपने आप आती है, ये अगर करीब जाओ ये भाग जाती है।
कर रहे हैं तितली का इतना बोझ बन चुका है। आज है 26 दिसंबर 2010, अचानक तितली का आगमन फूलों के ऊपर, यहाँ पर तमाम फूल हैं, तमाम तेरे पतंगे सब आते हैं। एक छोट तितली और आके इसमें बैठी है, पतली सी वो दिख नहीं रही, अभी हाथ लगाएंगे तो तितली उड़ेगी। ये देखिए उड़ गई, ये पीले रंग का फूल तो पीले रंग की तितलियाँ, ये तितली उड़ रही अब आके बैठ गई, इसी का रस ले रही ये तितली, ये फिर इसी में बैठेगी यार। उधर बैठी है ताकि इसको सामने कैमरे से इसको इतराज है, इसी में रस ले रही है, उंगली लगाएंगे तो उड़ेगी। ये उड़ गई, ये पीले रंग की छोटी तितली है और वो काले रंग की बड़ी तितली, ये जहाँ उंगली लगाएंगे तहाँ ये उड़ेगी। ये तो चाहे तो पकड़ भी सकते हैं, पकड़ने नहीं दे रही, वहाँ बैठ गई जाए। वहाँ तक इतनी दूर तक वो रही जाके नाराज हो गई शायद गई है। आज इधर आज 25 जनवरी 2011 है, यहाँ हम गुलजारी होटल तक आ चुके हैं। गुलजारी होटल शिव मोहन मौर्य, शिव कुमार शर्मा मिस्त्री जो हैं, आज हम लोग डलमऊ जा रहे हैं और संभवतः हिंदुस्तान अखबार में कल मैंने दे दिया था, तो आज हम लोग बंदर भोज बाल भोज वहीं कर लेंगे। डलमऊ में जाकर के गंगा स्नान भी हो जाएगा और वहां से हम लोग वापस आएंगे। चार लोग जा रहे हैं, शिव मोहन मौर्य जो कैमरे से अभी बना रहे हैं, और शिव कुमार आपके हैं शर्मा वो गुलजारी, तो और मैं, तो हम लोग चार आदमी जा रहे हैं। और यहाँ भंडारा जो हुआ था इनका चैनानी और राजेंद्र अवस्थी का घंटाघर चौराहे पर, तो उन्होंने कल परसों रात में काफ़ी पूड़ियाँ हमको दी थी, तो थोड़ा पूड़ी हमने बचा लिया था। ये पूड़ियाँ उनकी यहाँ की, ये सब जा रही हैं डलमऊ बंदरों के लिए। लेकिन हमारा कई बार जगदीश चैनानी से मैंने कई बार कहा, सुधीर नंदवानी से कहा, लेकिन आज के ज़माने में इतना अंधा समाज, जबकि सुधीर नंदवानी थोड़ा हम लोगों में घुल मिल गया है, वो जानता है, चैनानी तो राजा आदमी है जगदीश चैनानी, लेकिन संस्कार नहीं है, अभी उनको संस्कार उनके अंदर डालना पड़ेगा। अब संस्कार डालने वाले भी नहीं उनको बता पा रहे हैं। देखिए हनुमान जी की सबसे बड़ी सेवा, भोलेनाथ की सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी सेवा अगर कुछ है वो भोज है। अमरनाथ के नाम से जो हम भंडारा करते हैं, चिल्लाओ नहीं, अमरनाथ के नाम से जो हम भंडारा करते हैं वो करते हैं, वहाँ कीजिए आप, लेकिन यहाँ शहर में आके करते हैं वो 1000 बार की आप करें, और एक बार आप केवल बंदर को खिला दें और बच्चों को दे दें, तो बाल भोज और बंदर भोज है यहाँ टेप हो रहा है। तो
बंदर को नहीं कोई जल्दी खिलाता, और खिलाएगा पूरी ले जाओ। तो हमने सुधीर नंदवानी से कहा कई बार कि ए सुनो अखबार लेते आना, आज वाला अखबार भूलना नहीं। तो कई बार कहा देखिए जो बंदर खाता है वो खिलाइए, हमको मिर्चा नहीं पसंद है, मिर्चा आप हमको मार हमारे मुंह में ठूंसे दे रहे हैं और आप हमारी जय जयकार कर रहे हैं, तो इससे अंधा समाज और क्या होगा। क्योंकि हमारे यहाँ साधु सन्यासी पंडित पठान जो भी हैं, अरे पंडित जी तो खैर हम उसी खानदान में हम भी पैदा हुए हैं, पंडित जी कहे जाते हैं, उन लोगों ने कभी सेवा की नहीं बात किया, ना ना, केवल दो बात बताते हैं, क्या पूजा करो भंडारा करो और जो तेरे जेब में हो हमारी झोली में डाल दो, यहाँ चलाओ यहाँ चलाओ। यही कारण है कि आज हमारा धर्म जो है वो अपने रास्ते से हट चुका है। यही सामने जो श्री कुमार अभी रोटी तोड़ रहे हैं, इनको मैंने बड़े मंगल में देखा कि बाल्टा में पानी भर रहे हैं, सुबह नहा धो के, बहुत सफाई पसंद आदमी है, हमने इसको पंडित की टाइटल दे दिया है, पंडित शिव कुमार इनको हमको कहना पड़ेगा। तो कर्म से आदमी ब्राह्मण होता है, जात से नहीं होता है, ये सफाई पसंद आदमी है, है। तो अब रोटी जो है हम लोग अभी बंदर को देंगे, बंदर रोटी ज़्यादा पसंद करता है, बंदर पूरी खाते बहुत कम खाएगा, थोड़ा खाएगा बेमन बेमन। तो हमारा मतलब है कि हम सुधीर नंदवानी से, जगदीश जैनानी से, राजेंद्र अवस्थी से, उनकी सारी टीम से मैं ये कहूँगा कि भैया हमको भीगा चना या तो दे दिया करो भंडारे में, और या आटा पूरी के लिए आदमी सानता है, हमको सना हुआ आटा दे दो गोली बना कर, हम वो खाए, लेकिन पूरी हमको मत दो, पूरी बस्ती है ओ बच्चों में दे दो, गरीबों में बांट दो, क्यों किसी चीज़ को बर्बाद करते हो। तो कहने का मतलब है कि जो सही काम है वो हम आप नहीं करते। 1000 बार आप अमरनाथ बर्फानी के नाम से जो पब्लिक में भंडारा करते हैं रायबरेली के अंदर, वहाँ की बात अलग है, 1000 बार नेशनल हाईवे पर हम खड़े हैं ना, इसलिए गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, शोर बहुत हो रहा है, और एक बार अगर आप बंदर को खिला देते हैं एक बार, तो उसका फल उतना ही आपको मिल जाएगा। क्योंकि हमारी बात आप लोगों के दिमाग में इसलिए नहीं आती है कि चूंकि समाज में ऐसा कोई करते नहीं, समाज में तो वो भोले के, अरे भोले के नाम से आप उनको खिलाते हैं जिनके पेट में खाना है, आप उनको खिलाइए जिनके पेट में खाना नहीं है, जो भोलेनाथ से जुड़े हैं, जैसे नंदी है, बंदर है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, ये हनुमान जी को कहा गया है, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तो जो उनसे जुड़े हैं, सोचिए आप कि मान लीजिए किसी मुस्लिम समाज में किसी की यहाँ शादी हो, उसमें खाली पंडित जी हो, मुस्लिम समाज का दूसरा व्यक्ति ना हो, तो आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी कि भैया मियाँ जी की यहाँ शादी है, कोई मियाँ जी का पते नहीं। तो हनुमान जी का कार्य है, भोलेनाथ का कार्य है, वहाँ बंदरों का कोई पता नहीं, इससे बढ़ के बेवकूफ़ी और जहालत क्या होगी। अरे बंदर माने हनुमान जी, उन्हीं की ये ना सेना है भैया, हनुमान जी की सेना में हम आप तो नहीं लड़े, तो काहे बड़े मंगल पर हमको आपको शरबत हम आप पीते हैं, हमारे आपके बराबर मूर्ख कौन होगा। प्रसाद, अरे पहले उनको खिलाओ बंदरों को, प्रसाद प्रसाद क्या है, जो बच जाए वो थोड़ा थोड़ा ले लो, लेकिन पहले बंदर। मियाँ जी के शादी में, मियाँ जी के बारात में तमाम मोहम्मदन होना चाहिए, तमाम उनके बिरादरी का आदमी होना चाहिए, लेकिन पता लगा बारात आ रही मियाँ जी के यहाँ और वहाँ खाली पंडित जी, दूसरे कोई जी है ये नहीं है, तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे। तो हमारा बहुत अंधा समाज है, मैं बताते बताते समझाते समझाते मैं हार गया। इन लोगों के साथ मोटरसाइकिल से मैं जाता हूँ, इनके अंदर भाव भक्ति है। शिव मोहन जो कैमरे से काम कर रहा है, उसका मैं डलमऊ में बनाऊँगा जा करके वहाँ पर वीडियो, कितना भक्त आदमी, मेरा रिकॉर्ड है, पूरी रायबरेली जानती है कि मैं कहीं चाय नहीं पीता, लेकिन शिव मोहन के यहाँ चाय मैं पीता हूँ। क्या उसके अंदर प्रेम है, क्या जादू है, मैं नहीं बता सकता। तो अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ, तो यहाँ अब इनके सब्जी उब्जी छोंकी जा रही है और
अब हम लोग 2 मिनट में दलमऊ के लिए रवाना होंगे। दलमऊ पहुंच के वहां भोज होगा। वहां एक सफ़ेद बंदर है, वो एक बहुत बड़ा रहस्य है उसके अंदर, वो हर आदमी नहीं जानता है। उसके भी दर्शन आज होंगे, मंगलवार का दिन है। तो बाकी आगे का हाल वही बनाया जाएगा। धन्यवाद। घुमा के बनाना है। हाँ तो कहीं झाड़ू, 3-4 झाड़ू तो हैं आज। दर्जन भर रहे हैं। ये सुकुमार बुलाए बाबा, सुकुमार का है। सुकुमार का, हाँ हाँ हाँ। ये सुकुमार आओ भाई। अरे उसका पड़ा रहे जो आओ। अरे बंदर के लिए है, बंदर है तो खाई है आए के। नहीं नहीं, उठा के रख दो। नहीं तो नहीं, नहीं अगर वो निकाल के खाएंगे तो कोई हर्जा नहीं है। अरे बस एक मिनट में कुकुर उन्हीं के बड़े आवा है। हाँ तो यहाँ आप लोग देखिए, हम यहाँ जैसा कि हिंदुस्तान अखबार में आज मैंने दिया था कि आज यहाँ बंदर भोज श्याम साधु का होगा, और शिव मोहन मौर्या हमारे साथ में है, शिव कुमार शर्मा है, गुलजारी होटल वाला है, और हमारे फुकुन जी यहाँ के जो यहाँ के गंगा पुत्री पंडा कहे जाते हैं, वो लोग शुरू से ही हमारा जब ये सफाई अभियान हमने शुरू कराया था तब से उनका बड़ा भारी सहयोग मिल रहा है। और आज जान करके इतनी हमें प्रसन्नता हुई है कि हमारे शिव मगन गुप्ता जी, जेसेरा टाइम्स वाले और दैनिक जागरण के धर्मेंद्र जी, ये लोग बड़ी रुचि ले रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। तो यहाँ पर अभी सफाई होगा, और इसी तरह से आप लोगों का सहयोग रहता है यहाँ, क्योंकि हमेशा गंगा जी यहाँ इनके किनारे सफाई का पूरा ध्यान रखा जाएगा। 31 तारीख में यहाँ आने वाले 31 तारीख में कोई कार्यक्रम है, यदि मौका मिला मैं यहाँ रायबरेली में अगर रहूँगा तो आ जाऊँगा। और यहाँ पर इसके बाद में सफाई अभियान के बाद अभी हमारा बंदर भोज होगा, और बंदर भोज होने के बाद रायबरेली के लिए हम लोग रवाना हो जाएंगे। आप इनका थोड़ा सा ऐसे बनाते रहिए, इधर उधर घूम घूम के कभी गंगा जी की तरफ पीजिए, इनका इनका धीरे 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 ऐसे जाइए और फिर ऐसे आ जाइए। हाँ भैया, अरे हमका लाओ, जब हम आगे आगे रहिए तभी तो आगे काम हुई। हाँ भैया, तुम्हारा भी काम। अब हमारे धर्मेंद्र जी जो हैं इतनी रुचि ले रहे हैं, ये दलमऊ के लिए सौभाग्य की बात है। अब दैनिक जागरण से जुड़े हुए हैं। तो हमारे शिव मगन जी जो हैं वो शिव मगन नाम उनका है, लेकिन मगन है वो समाज सेवा में, और अच्छा नाम कमाया है उन्होंने, जेसेरा टाइम से जुड़े हुए हैं। और सब यही है। अब देखिए, लोगों में जब जागृति पैदा की जाएगी तभी कार्य होता है। आगे आगे हर आदमी को चलना चाहिए, ये नहीं कि साहब हम केवल जायजा ले रहे हैं। गुरु आगे चलेगा, चेले पीछे चलेंगे। इसको और थोड़ा बटोरिए और इसको बटोर के इकट्ठा कीजिए। आ जाओ ये लगाओगे, ऐसे हाथ पकड़ लो, हमारे साथ लगाओ।
पूरा आशीर्वाद। अरे जब आप लोगों की भावना है ऐसे ही हमसे फुकुन ने जब बताया तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि दैनिक जागरण से जुड़ा व्यक्ति और इसमें रुचि ले रहा है। पूरी व्यवस्था दादा यही जो है तो ये आकाश तक पहुंचा। तो ये डलमऊ के सौभाग्य है। एक बार बता मैं कितना अभियान चलेगा। विनोद निषाद देखो ये आगे जो है मुख्य के अच्छा अगुआ जो है। नहीं ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है कम से कम, है ना भाई। यही हम लोगों की पहचान है और इसी में अगर हम लोग उदासीनता करेंगे तो कैसे काम। अब गोकना वाले दो तीन बार अनशन उनशन में हमको बुलाए रहे क्योंकि वो दूर पड़ता है ये करीब है। हमारे ऐसा पुकुन वगैरह बड़े पट्टिकों में से हैं तो कहे 21 को हमने का जब भी कार्यक्रम हो तो बताइए। आज बंदर भोज हमारे चेले चपाती ने कहा बंदर भोज बाबा जी करना है तो याद आया। हम कहा यार वहाँ बंदर काम हो रहा है। हाँ लीजिए फुकुन जी कहाँ गए। हाँ ये झाड़ू है आप मंदिर वाला भोज शुरू कर यहाँ पर। हाँ अगर यहाँ हो जाए तो ताकि इनको हम जब फेंकेंगे तो एक दो तीन जब तक बड़ा वाला उठाएगा उतने में बच्चे पा जाते हैं। ये है इसलिए रोटियों को उधर फेंके देना चाहिए। चलो भाई चलो ये कुत्तों को मारा बड़ा मुश्किल हो जाएगा। खेदो खेदो इनका खेदो कुत्ता खेदो कुत्ता मारो।